खुकरी एक ऐसा हथियार जिसे अंग्रेजों ने 1814 में गोरखाओं से लड़ने के बाद जाना और पूरी दुनिया ने दोनों विश्व युद्ध के दौरान पहचाना। ये एकमात्र ऐसा हथियार है जो 1814 के गोरखा वार से लेकर 1999 के करगिल वार तक ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है, हर लड़ाई में हर गोरखा सिपाही के साथ हमेशा एक खुकरी रहा है। पिछले कई दशकों से भारतीय सेना में कई हथियार आए और गए, लेकिन इंडियन आर्मी द्वारा आज भी हर एक गोरखा सिपाही को राइफल के साथ एक खुकरी जरूर दिया जाता है। तो ऐसा क्या है खास इस खुकरी में जो आज के आधुनिक युग में भी हर गोरखा सिपाही अपने साथ रखता है, और क्यों इसे आगे भी रिटायर नहीं किया जाएगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। और खुकरी के बारे में ऐसे 20 अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको शायद पता नहीं होंगे। एक गोरखा सिपाही की पहचान खुकरी के बिना अधूरी है, लेकिन खुकरी नेपाल और गोरखा राज्य से भी पुराना है, क्योंकि गोरखा राज्य का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और नेपाल राज्य का एकीकरण 18वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन खुकरी के उपयोग के 7वीं शताब्दी के दस्तावेज पाए गए हैं, और इतिहासकारों का मानना है कि खुकरी का उपयोग सिकंदर राजा के जमाने से ही होता चला आ रहा है। विश्व युद्ध के दौरान दुनिया भर में खुकरी को गोरखा ब्लेड या गोरखा नाइफ के नाम से जाना जाता था। फिर इसे कई नाम दिए गए और अंग्रेजी में अलग अलग स्पेलिंग बने, और आखिरकार आज पश्चिमी देशों में इसे कुकरी बोला जाता है, इंडिया में खुकरी और नेपाल में इसे जाना जाता है इसके ओरिजिनल नाम से, जो है खुकरी। खुकरी की प्रशंसा और उपयोगिता का प्रदर्शन विश्व युद्ध के दौरान नॉर्थ अफ्रीका के एक गोरखा टुकड़ी के रिपोर्ट से हो जाता है। उस रिपोर्ट में लिखा था, एनिमी लॉसेस 10 किल्ड, आवर्स नील, एम्यूनेशन एक्सपेंडिचर नील, यानी बिना कोई गोला बारूद खर्च किए 10 दुश्मनों को मार गिराया। खुकरी सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता है, खुकरी अलग अलग टाइप के और अलग अलग साइज के बनाए जाते हैं, और क्योंकि हर खुकरी को हाथों से बनाया जाता है, इसलिए हर खुकरी एक दूसरे से अलग होता है। सिविलियन यूज के लिए बनाए जाने वाले खुकरी जैसे सिरुपाते खुकरी 20 इंच से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं, और आर्मी इशू खुकरी 10 इंच से लेकर 16 इंच तक के होते हैं। इससे छोटे खुकरी भी बनाए जाते हैं सेरेमोनियल पर्पजेस के लिए, यानी खास पर्व के लिए या भेंट के रूप में देने के लिए। और पश्चिमी देशों में कई चाकू निर्माता खुकरी के अलग अलग नए डिजाइन को बनाते हैं जो ट्रेडिशनल खुकरी से अलग होते हैं। ऐसे ही नए डिजाइन की खुकरी यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर के लिए भी बनाया हुआ है, जिसमें से एक है USMC डिजर्ट सैंड खुकरी और दूसरा है USMC मरीन खुकरी। खुकरी के ब्लेड के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को जानवरों के चमड़े को निकालने के लिए और लड़ाई के वक्त स्टैप करने के लिए या भोंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीच वाला हिस्सा चॉप करने के लिए काम आता है, और एक झटके में ही दुश्मनों के सिर को यह धड़ से अलग कर सकता है। सबसे नीचे वाला हिस्सा चीजों को स्लाइस करने के काम आता है, और ब्लेड के सबसे निचले हिस्से में और हैंडल के ऊपर एक नॉच होता है, जिसे कौड़ा या चो बोला जाता है। ये नॉच ज्यादातर खुकरी में हिंदू धर्म में ओम के जैसा और गाय के खुर के आकार का बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये खुकरी नेपाल में धार्मिक महत्व भी रखता है। और लड़ाई के दौरान खुकरी का ये नॉच दुश्मनों के खून को खुकरी से बहते हुए गोरखा के हाथों में आने से रोकता है, क्योंकि अगर लड़ाई के वक्त खून बहते हुए हाथों में आ जाए तो खुकरी के हैंडल में चिकनापन आ जाता है और फिसलाव हो जाता है, जिससे खुकरी हाथों से फिसल सकता है। पश्चिमी देशों के लोगों के लिए बनाए गए नए डिजाइन के खुकरी में ये नॉच नहीं होता। खुकरी का हैंडल लकड़े से, भैंसे के सिंग से, हाथी के दांत से, जानवरों के हड्डी से या लोहे से बनाया जाता था, लेकिन आजकल ज्यादातर इसे लकड़े से ही बनाया जाता है। खुकरी की जो मयान होती है उसे भी हैंडल की तरह अलग अलग चीजों से बनाया जाता है, और सबसे महंगे खुकरी की मयान आपको याक के सिंगों से बनाया हुआ मिल सकता है। एक खुकरी के साथ 2 छोटे छोटे औजार होते हैं, जिसमें से एक होता है चकमक, जो खुकरी को धार करने के लिए और आग जलाने के लिए उपयोग किया जाता है, और दूसरा होता है करड़ा, जो छोटी छोटी चीजों को काटने के लिए एक छोटी छुरी के जैसा इस्तेमाल किया जाता है। दोनों विश्व युद्ध के दौरान गोरखा और खुकरी चर्चा में आए थे, लेकिन सितंबर 2010 को एक घटना घटी जिससे एक गोरखा और उसकी खुकरी फिर से सुर्खियों में छा गए थे। हुआ यूं कि इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट से रिटायर होने के बाद एक गोरखा सिपाही विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ एक ट्रेन से वापस अपने गांव नेपाल जा रहे थे, लेकिन अचानक अंधेरी रात को मौर्य एक्सप्रेस नाम की वो ट्रेन वेस्ट बंगाल के चितरंजन इलाके के घने जंगलों में रुक गई,
और देखते ही देखते 40 लुटेरे तलवार चाकू और पिस्टल के साथ ट्रेन में घुस गए और सारे यात्रियों के पैसे जेवरात और लैपटॉप्स को लूटने लगे। विष्णु श्रेष्ठा लड़ाई नहीं चाहते थे और अपने पैसे लुटेरों को देने के लिए तैयार थे, लेकिन हद तब हो गई जब विष्णु के पास वाली सीट पर बैठे एक 18 वर्षीय लड़की को उनके ही माता पिता के सामने लुटेरों ने सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश की। तब विष्णु के अंदर का गोरखा जाग गया और अपनी खुकरी निकालकर अकेले ही 40 लुटेरों के साथ भिड़ गए। उन्होंने जो खुकरी से हमला करना शुरू किया तो 3 लुटेरे वहीं ढेर हो गए और 8 जख्मी हो गए। बाकी लुटेरे एक शेर की तरह लड़ते हुए इंसान को देखकर भाग खड़े हुए। खुकरी एक प्रशिक्षित हाथों में कोई छोटा मोटा चाकू नहीं, एक बहुत ही खतरनाक हथियार होता है। खुकरी के बारे में एक अफवाह भी है कि इसे एक बार मयान से निकालने के बाद इसमें खून लगना जरूरी होता है। अगर किसी का खून नहीं बहाया जाता है तो जिस इंसान की वो खुकरी है उसे खुद अपनी उंगली को थोड़ा सा काट कर अपना खून देना पड़ता है, जो कि गलत है, क्योंकि सैकड़ों सालों से नेपाल के लोग अपने घरों में, किचन में और जंगलों में लकड़ी, सब्जी और मीट काटने के लिए खुकरी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। खुकरी की नेपाल में पूजा भी की जाती है और खासकर विश्वकर्मा पूजा के दिन खुकरी की दूसरे औजारों के साथ पूजा की जाती है। औसान आर्मी के जवान भी खुकरी से खौफ खाते हैं, क्योंकि कारगिल युद्ध में लड़े 1/11 गोरखा राइफल्स के कर्नल ललित राय के अनुसार पाकिस्तानी लोग भी एक झटके से सर काटे जाने को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो जब खाने के लिए किसी जानवर को भी काटते हैं तो रेत कर काटते हैं, झटका देकर नहीं काटते, क्योंकि उसे हराम माना जाता है। खुकरी नेपाल का राष्ट्रीय हथियार या नेशनल वेपन है और इसे नेपाल आर्मी के जवान भी अपने साथ रखते हैं। इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटिश आर्मी के गोरखा सैनिक, सिंगापुर पुलिस के गोरखा कंटिंजेंट और ब्रुनेई के गोरखा रिजर्व यूनिट के जवानों को भी खुकरी दिया जाता है। और इंडियन आर्मी में गोरखा राइफल्स के अलावा गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट और असम राइफल्स के जवान भी खुकरी को अपने साथ रखते हैं। और चाहे जितने भी आधुनिक हथियार आ जाए, खुकरी कभी रिटायर नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने कारगिल युद्ध में देखा, लड़ाई के दौरान ऐसा भी वक्त आता है कि अपने जमीन के टुकड़े पर अपने देश का झंडा लगाने के लिए इंसानों को ही वहां जाना पड़ता है। तब तोपे काम नहीं आती, फाइटर जेट्स, सबमरीन और एयरक्राफ्ट करियर भी काम नहीं आते, एक सिपाही को ही वहां पर जाना पड़ता है और तब दुश्मनों के साथ हाथों हाथ की लड़ाई भी लड़ना पड़ सकता है। और जब जब हाथों हाथ की लड़ाई का वक्त आएगा, तब तब गोरखा और उसकी खुकरी की धार दुश्मनों को उनके मौत की नींद सुलाएगा। इस वीडियो में खुकरी के बारे में बताए गए अमेजिंग फैक्ट्स में से सबसे बेहतरीन फैक्ट आपको कौन सा लगा, कमेंट करके बताएं। और अगर इन अमेजिंग फैक्ट्स के अलावा खुकरी के बारे में आपको कुछ और पता है तो उसे भी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।